हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ लैटरल ड्रेस। टॉपिक शुरू करने के पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। जो ट्रांसवर्स लाइन शोल्डर जॉइंट्स के थ्रू जा रही है उसे कहते हैं शोल्डर एक्सिस, जो एल्बो जॉइंट के थ्रू जा रही है उसे कहते हैं एल्बो एक्सिस, जो रिस्ट के थ्रू जा रही है उसे कहते हैं रिस्ट एक्सिस, और जो वर्टिकली बॉडी के थ्रू जा रही है स्पाइन के थ्रू उसे कहते हैं बॉडी एक्सिस। आपको हमेशा याद रखना है कि लैटरल ड्रेस करते समय आपके हाथ सर्कुलर मोशन में जाने चाहिए, वेट हमेशा साइड में वर्टिकली ऊपर जाने चाहिए, ना कि बॉडी के पीछे। यहां आप देख सकते हैं कि रिस्ट एक्सिस जो है वो एल्बो के ऊपर जा रही है। पहली मिस्टेक होती है कि बॉडी मोमेंटम में वेट उठाए, जबकि सही तरीका ये होता है जब बॉडी एकदम स्टेबल है और विदाउट जर्क वेट उठाया जा रहा है। मिस्टेक नंबर टू है कि हमारे जो एल्बो है वो वर्टिकल एक्सिस में नहीं जाते बॉडी के, आगे या पीछे जाते हैं। ये है सही तरीका जिसमें एल्बो बॉडी के एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। तीसरी मिस्टेक होती है एल्बो का शोल्डर्स के ऊपर जाना, ये है सही तरीका जिसमें एल्बो शोल्डर के लेवल तक जाता है, ना कि उसके ऊपर। ये है चौथी मिस्टेक, इसमें हम वेट को ऊपर होल्ड नहीं करते, ये है सही तरीका जिसमें हम वेट को ऊपर होल्ड करते हैं। इसे मसल को फटीग इजीली किया जाता है और इसे हमें बहुत फायदा भी होता है। पांचवी मिस्टेक होती है शोल्डर्स को ड्रैग करना, इससे होता यह है कि हमारे एक्सेसरी मसल्स ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें हम वेट को सर्कुलर मोशन में उठा रहे हैं। मिस्टेक नंबर सिक्स में हम वेट को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, इससे होता यह है, सही तरीका यह है कि हम वेट को बॉडी के साइड से वर्टिकली ऊपर उठाएं। मिस्टेक नंबर सेवन में हम रिस्ट को हमारे एल्बो के ऊपर लेके जाते हैं, तो यह है सही तरीका जिसमें हमारी रिस्ट जो है एल्बो के हमेशा नीचे रह रही है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में।